राजस्थान में परिवर्तन की परिपाटी बरकरार रही और सत्ता कांग्रेस के हाथों से निकलकर एक बार फिर बीजेपी के पास आ गई। जी हां, इस बार थोड़ा बदलाव ये हुआ है कि बीजेपी की ओर से मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की बजाय भजन लाल शर्मा बने हैं। अब राजस्थान में जैसे सत्ता परिवर्तन की रीत है, वैसे ही रीत है पिछली सरकार की योजनाओं के नाम बदलने या फिर उन्हें बंद करने की भी। इस बार भी मुख्यमंत्री भजन लाल ने पिछली सरकार की दो योजनाओं पर जहां कैची चलाई, तो वहीं कई योजनाओं और फैसलों के बदलने का भी प्लान बना रखा है। फिलहाल भजन लाल सरकार ने पिछली सरकार का एक और निर्णय बदल दिया है। अब CBI यानी केंद्र अन्वेषण ब्यूरो को राजस्थान से जुड़ी किसी मामले की जांच के लिए प्रदेश सरकार से अनुमति लेने की जरूरत नहीं होगी। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के निर्देश पर सरकार ने यह आदेश जारी कर दिया है। प्रस्ताव के अनुसार अब CBI को प्रदेश में अनुसंधान के लिए प्रत्येक मामले में राज्य सरकार की अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी। CBI भ्रष्टाचारियों के विरुद्ध त्वरित एवं प्रभावी कार्यवाही कर पाएगी। दरअसल राजस्थान की पिछली यानी कांग्रेस शासित गहलोत सरकार के दौरान यह निर्णय किया गया था कि सरकार की अनुमति के बिना प्रदेश से जुड़े किसी भी मामले में CBI सीधे जांच नहीं कर सकती। उसे जांच के लिए राज्य सरकार की अनुमति की जरूरत पड़ती थी। CBI सिर्फ उन्हीं मामलों की जांच कर सकती थी जो राज्य सरकार द्वारा उन्हें भेजे जाएं। यही कारण था कि पेपर लीक, जल जीवन मिशन सहित विभिन्न मामलों में प्रवर्तन निर्देशालय और आयकर विभाग तो सक्रिय थे, लेकिन CBI की एंट्री नहीं हो पा रही थी। आपको बता दें, गहलोत सरकार के कार्यकाल के दौरान प्रदेश में 19 पेपर लीक, जल जीवन मिशन के साथ ही लाल डायरी का मुद्दा खूब सुर्खियों में रहा था। इन दोनों ही मामलों को लेकर गहलोत सरकार कटघरे में घिरती रही है। विधानसभा चुनाव के दौरान भी ये दोनों ही मुद्दे खूब सुर्खियों में भी रहे थे। और अब जब बीजेपी का सत्ता पर काबिज हो गया है, तो माना जा रहा है कि बीजेपी प्राथमिकता से इन मामलों को लेकर अब ये CBI को सौंप दिया जाए।